बैठो, देखो गायत्री, हम ये प्रोटेस्ट कल्चर के सख्त खिलाफ है। ये एक कॉलेज है, पार्लियामेंट नहीं। मैम, नाइंसाफी के खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए, फिर वो पार्लियामेंट हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, घर हो या फिर अपना बेडरूम। हम सब एक इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, वन टीम। ओके, सो इस मैटर को यहीं खत्म करो। प्रोफेसर मानते हैं कि उनसे गलती हुई है एंड इट वोंट हैपन अगेन। इस लॉजिक से तो एग्जाम में फेल होने वाले हर स्टूडेंट को सिर्फ बात करके पास कर देना चाहिए, राइट? वो भी आपको कहेगा कि इट वोंट हैपन अगेन। क्या कहते हो? वो बात अलग है। ये हर गलत काम की पनिशमेंट होती है, ये हमने स्कूल और कॉलेज से ही सिखाया जाता है। प्रोफेसर ने एक बहुजन स्टूडेंट की बेइज्जती की है, उसकी जात को गाली दी है। इस तरह की गलती कोई बात करके सॉल्व नहीं होती, कॉलेज को उन्हें निकालना होगा। प्रोफेसर किशोर, तुम एक स्टूडेंट को गायत्री मैनेजमेंट नहीं तो अपनी फालतू की एडवाइस अपने पास रखो। गायत्री सर, कॉलेज मैनेजमेंट से नहीं, स्टूडेंट से चलता है। वो पे करते हैं आपकी सैलरी, ईच वन ऑफ देम, इंक्लूडिंग वो बहुजन स्टूडेंट। अंडरस्टूड? ये बहस करने का कोई फायदा नहीं है गायत्री। प्रोफेसर मानते हैं कि उनसे गलती हुई है और ऐसा आगे नहीं होगा, सो इस मैटर को इतना खींचने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैटर को दबा दो, एटीट्यूड की वजह से ही सोसाइटी सेक्शन सालों से दबता जा रहा है। नॉट एनी मोर मैम, डीन जानकी, इनफ। प्रोफेसर, आपको स्टूडेंट्स को एक रिटन अपॉलॉजी देनी चाहिए। एंड गायत्री, हम आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं और इसलिए कुछ वक्त के लिए हम प्रोफेसर का डिसिप्लिनरी सस्पेंशन भी करेंगे। वाओ, और कुछ पुलिस कंप्लेन, लीगल केस या बेस्ट एग्जीक्यूट करवा दो मुझे। ओह कम ऑन मैम, ये स्टूडेंट्स की बकवास को प्लीज इग्नोर करो। इन्हें सोशल मीडिया की वजह से आदत पड़ गई है और हर चीज को एक मूवमेंट बना दिए हैं। ये अटेंशन के भूखे हैं, इसलिए और बात पे रिबेल करते हैं ताकि कोई इन्हें भाव दे। जो करना है कर लो, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, ना ही किसी से डरता हूँ। आई होप आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स हैं। एक्स्ट्रा क्लोथ्स? क्योंकि आज कोई घर नहीं जाएगा, आज कॉलेज की मेजॉरिटी माइनॉरिटी के हक के लिए लड़ेगी।